फ्रेंड्स, वेलकम टू कश्यप क्लासेस। आपका स्वागत है हमारे चैनल कश्यप क्लासेस नीट क्रैकर में, जो कि फुल्ली एजुकेशनल एंड कल्चरल चैनल है। फ्रेंड्स, आज हम आपसे पैंक्रियास के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज पैंक्रियास, व्हाई पैंक्रिया इज कॉल्ड मिक्स ग्लैंड, एंड नेम द हार्मोन्स एंड एंजाइम सीक्रेटेड बाय पैंक्रियास। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस जैसे नीट तथा अन्य एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पैंक्रियास एक मिक्स ग्लैंड है जिसमें एक्सोक्राइन पार्ट तथा एंडोक्राइन पार्ट दोनों पाए जाते हैं। यह एक फिश शेप्ड ग्लैंड है जो एब्डोमिनल कैविटी में स्टोमक के पीछे स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडिनम पार्ट के सी कर्व में फिट रहता है। पैंक्रियास 6200 ग्राम्स एंड साइज ऑफ पैंक्रियास इज 15 सेंटीमीटर। अगर हम पैंक्रियास का टीएस सेक्शन ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं कि पैंक्रियास का 99% पार्ट एक्सोक्राइन होता है और 1% पार्ट एंडोक्राइन होता है, इसलिए इसे मिक्स ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट गोल रचनाओं का बना होता है जिसे पैंक्रियाटिक एसिनी कहते हैं। यह पार्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स का स्राव करता है जो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे पहला पैंक्रियाटिक एमाइलेज। यह पार्ट कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है जो कि वेरी एंजाइम पैंक्रियाटिक एमाइलेज का स्राव करता है, और यह जो एंजाइम होता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। दूसरा पैंक्रियाटिक प्रोटीएसेस। यह पार्ट ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव करता है जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। तीसरा पैंक्रियाटिक लाइपेज। यह पार्ट फैट्स के डाइजेशन में ऐसे एंजाइम्स का स्राव करता है जिसे पैंक्रियाटिक लाइपेज कहते हैं, और यह पार्ट फैट के डाइजेशन में मदद करता है। पैंक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट कहलाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि जर्मन वैज्ञानिक पॉल लैंगरहैंस के द्वारा 1869 में डिस्कवर किया गया था। पैंक्रियास में 1 लाख आइलेट्स पाए जाते हैं जो राउंडेड पैंक्रियाटिक एक्नी से घिरे रहते हैं, और इसमें 5 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं जो डिफरेंट हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो पहली प्रकार की कोशिकाएं हैं उन्हें अल्फा सेल्स कहते हैं, और यह पूरे आइलेट्स का 20% पार्ट बनाता है। अल्फा सेल्स ग्लूकागोन नामक हार्मोन को सिक्रेट करता है जो शरीर में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाती है। यदि हम भूखे हैं या भूखमरी के कगार पर हैं तो यह हार्मोन हमारे बॉडी फैट्स ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, और स्टार्वेशन में हमें एनर्जी प्रोवाइड करके हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को चलाता है। दूसरी प्रकार की जो कोशिकाएं हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की, उसे बीटा सेल्स कहते हैं। यह पूरे आइलेट्स का 70% भाग बनाता है। बीटा सेल्स बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन का स्राव करता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। यह हार्मोन बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। यह हार्मोन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है जिससे ब्लड शुगर की मात्रा नियंत्रित रहती है। इंसुलिन ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन में लीवर में परिवर्तित कर देता है जो सबक्यूटेनियस फैट के रूप में त्वचा के नीचे जमा रहता है और हमारे शरीर को सुडौल बनाता है। इंसुलिन हार्मोन बॉडी में शुगर के लेवल को नियंत्रित रखता है। इस हार्मोन की कमी से डायबिटीज मिलिटस नामक रोग हो जाता है जिसे मधुमेह कहते हैं। इस रोग में रोगी के ब्लड में ग्लूकोज शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और यूरिन में भी ग्लूकोज रिलीज होने लगता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो तीसरी प्रकार की कोशिका है उसे डेल्टा सेल्स कहते हैं। यह आइलेट्स का 5% पार्ट बनाता है। यह सोमैटोस्टैटिन तथा गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का स्राव करता है। सोमैटोस्टैटिन को ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन भी कहते हैं। यह हार्मोन
अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स तथा अन्य हार्मोन्स के सिक्रीशंस को नियंत्रित करता है और शरीर के अदर अननेचुरल सेल रिप्रोडक्शंस को रोकता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो चौथी प्रकार की कोशिकाएं है उसे पीपी सेल्स या एफ सेल्स या गामा सेल्स कहते हैं। यह एक 36 अमीनो एसिड का बना हुआ हार्मोन होता है जो जिसका पूरा नाम पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है। यह 3% पार्ट बनाता है। यह हार्मोन जीआई मोटिलिटी मेटाबॉलिज्म एंड फूड इंटेक क्रियाओं को प्रभावित करता है। यह हार्मोन एंडोक्राइन तथा एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस को रेगुलेट करता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो पांचवी प्रकार की कोशिकाएं है उसे एप्साइलन सेल्स कहते हैं। यह पैंक्रियास का आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का 3% पार्ट बनाता है, 3-2% पार्ट बनाता है। यह घेरलिन नामक हार्मोन का स्राव करता है जो प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है। यह हार्मोन हमारे भूख को बढ़ाता है। फ्रेंड्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो बीटा सेल्स होती हैं वह एक अन्य प्रकार का हार्मोन का स्राव करता है जिसे एमाइलिन कहते हैं। यह हार्मोन स्टोमक को जल्दी खाली होने से रोकता है और इनडायरेक्टली यह ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने से रोकता है। यस फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल कश्यप क्लासेस नीट क्रैकर फॉर मोर साइंटिफिक वीडियोज़।